मैं डॉक्टर कौशल पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। सभी मित्रों को मेरा जय भी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 29 तारीख की सुबह हम सब के लिए और खासकर हमारी बहन मनीषा के लिए इस अपने जीवन की लीला को एक तरह से समाप्त करने का या खत्म होने का हमारे सामने सुबह सुबह सूचना मिलती है। ये केवल श्रद्धांजलि देने का मसला नहीं है और ना ही हम 2 मिनट का मौन इसके ऊपर धारण करना चाहते, क्योंकि हमारी आत्मा हमारा जमीर मर चुका है। हम लगातार ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, लगातार बातचीत करते हैं, इसके बावजूद दूसरी घटना हमारे सामने आ जाती है, हम फिर उसके ऊपर बातचीत करते हैं, 2 दिन शोर मचाते हैं, फिर तीसरी घटना हमारे सामने आ जाती है। इसलिए मनीषा के साथ के बारे में बातचीत करते हुए आज मन बहुत भारी है, समझ नहीं आता कि इसके ऊपर कैसे बातचीत करी जाए। बहुत मुश्किल से अपने आप को इसके लिए हम तैयार कर पाए हैं कि हम आज इसके ऊपर बातचीत करें। मैं ज्यादा बात ना करते हुए आज हमारे साथ जो इसके ऊपर जो हमें पूरी जानकारी देंगे हमारे तमाम लोगों को भी, हालांकि मुझे आज इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि जो असर सामाजिक आंदोलनों का, सोशल मीडिया का एक वक्त पे हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। इसलिए कई बार मन बहुत उदास होता है, मन करता है कि फायदा क्या, लेकिन फिर अंदर से मन को चोटता है कि बिना बातचीत किए भी रहें कैसे। इसलिए आज हमने इस बातचीत में चर्चा में बात करेंगे हम डॉक्टर पीके चौहान जी से, लक्ष्मी चंद जी से और सुंदर सिंह जी से। चौहान सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये 14 सितंबर की जो घटना थी मनीषा के साथ जो घटी, जिसको बोलते हुए भी हमें बहुत दर्द महसूस हो रहा है, जी हाँ, आज इस दुनिया से चली गई जी, जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन जी मैं बहादुरी उनको इस रूप में जरूर मैं मेरी बहन को सैल्यूट करना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी की लड़ाई वो मरते दम तक लड़ती रही, संघर्ष अपने साथ करती रही। मैं तो सोच के ही हैरान हूँ कि अगर जब हम एक महिला होने के नाते जब पेट में दर्द हो जाता है तो रहना मुश्किल हो जाता है, बहुत मतलब मन करता है कि अब अपने आप को इस बर्दाश्त से बाहर है ये दर्द, लेकिन वो दर्द कैसे सहन किया होगा उन्होंने 14 सितंबर से और आज तक, अपने आप में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा करता है, न केवल हमारे सामने बल्कि समाज के मुंह पर एक तमाचा है कि हम अपने उस बहन को क्या मरने के बाद न्याय दिलवा पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। पूरी घटना की जानकारी मैं आपसे लेना चाहती हूँ डॉक्टर पीके चौहान जी, बताइए 14 तारीख की घटना ये कैसे हुई जी, किन लोगों कौन लोग थे ऐसे जिन्होंने इस हवानियत को, इस हिंसा को अंजाम दिया और फिर उनको मौत के द्वार पर खड़ा कर दिया? तो हम जी मैडम सबसे पहले तो मैं बेटी मनीषा को अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपने स्वयंसेवी संगठन भारतीय स्वाभिमान जन महासभा की तरफ से मैं बेटी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मन मेरा काफी दुखी है और बहुत ज्यादा इस पर मैं नहीं कहूंगा, केवल अभी दुख है कि अभी बेटी का शव भी गांव तक नहीं पहुंच पाया है और अभी दिल्ली में ही है जैसी मुझे अभी अभी सूचना मिली है। मैं इस पर बोलना चाहूंगा, 14 सितंबर को ये जो घटना घटी है, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था। मैंने वहां पर पहुंचकर अपने साथियों से बोलकर घटना की जानकारी ली, परिवार वालों से मिले, उसमें यही निकल के आया कि उस गांव के 4 ठाकुरों के जो है लड़के थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें एक संदीप नाम का है और एक रवि है, रामू नाम का है, एक लवकुश नाम का, ये 4 लोग हैं इसमें शामिल, राजकुमार जी हाँ जी। और ये ठाकुर राजपूत जो छत्री जाति होती है उसके ये चारों के चारों लोग हैं जिस घटना को इन्होंने ये अंजाम दिया है। और
इन्होंने इतनी विभत्स घटना उसके साथ की है कि शायद मैं समझ रहा हूँ कि भारत में ये पहली घटना होगी कि इस घटना को अंजाम देने के बाद और उन्होंने सारे सबूतों को मिटाने की इतनी भरपूर कोशिश की कि वो अगर बच भी जाए तो अपनी जुबान से कुछ बोल भी ना पाए और उन दरिंदों का नाम भी वो ना ले पाए, इसलिए उसकी जीभ भी उन्होंने काट दी थी। फिर वो भर्ती हुई मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में आकर के उसको भर्ती करवाया गया। शासन प्रशासन ने तुरंत FIR भी दर्ज नहीं की, और FIR भी दर्ज की तो उन्होंने अपने ढंग से ऐसा तोड़ मरोड़ के उसको FIR को दर्ज किया बिना छानबीन के कि उसमें केवल एक आदमी का नाम छोड़ा पहली बार में। उसके बाद में जब उसके 164 में बयान हुए, लड़की को होश आ गया 8-7 दिन के बाद में, तो जब उसका बयान लड़की का हुआ तो उसने बताया कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। उस बात को उसने जो है बताने के बाद में तब उस पर धारा 376 लगाई गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से इतनी उदासीनता बरती गई कि जैसे ही फर्स्ट अभियुक्त जब गिरफ्तार हुआ था तो उससे कोई कड़ी पूछताछ नहीं की गई, और उसका खुलासा तब हुआ जब उसको होश आया लड़की को, तब उसने बताया, नहीं तो ये खुलासा तो एक मुजरिम को। चौहान साहब मुझे एक बात बताइए जी, आज मैं देख रही थी, हमारे तमाम दर्शक भी देख रहे हैं कि एक सवर्ण परिषद करके समर्थन में आई है। जी हाँ। कैसे कोई संगठन संगठन जो बनते हैं समाज की भलाई के लिए, समाज में काम करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कैसे कोई संगठन बलात्कारियों के फेवर में उतर सकता है सिर्फ इसी आधार पे कि पहली जो FIR दर्ज की गई थी उस FIR में 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, SC/ST एक्ट हुआ, जी हाँ, उसमें बलात्कार का कहीं जिक्र तक नहीं आया। क्या जो गांव का जो भी जो उस वक्त मौजूदा जो अधिकारी रहा होगा पुलिस का, उसको ये समझ नहीं आया था कि एक लड़की जो आपको अधमरी अवस्था में मिल रही है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जो पूरी तरह से एक तरह से शर्म आ रही है बताते हुए भी, मतलब ऐसी हालत में जब मिलती है तो वो कैसे इसके ऊपर SC/ST का मुकदमा, और सिर्फ ये जो सवर्ण परिषद जो समर्थन में उतरी है ये कह के कि लड़ाई झगड़े का मामला था, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, कैसे कोई उतर सकता है? मतलब आप किससे लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हो? लड़की से, वो लड़की जो रात को सिनेमा देखने नहीं गई थी, जी हाँ, जो ना वो सड़कों पे घूम रही थी, वो चारा लेने गई हुई थी, अपने जीवन यापन का जो तरीका है वो उसके लिए काम पे गई हुई थी 10-11 बजे। मतलब आप कैसे एक, मतलब एक अधिकारी उसको तो, मतलब मुझे तो एकदम, हालांकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे ऐसी भाषा का शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है जितना बलात्कारी वो चारों दोषी हैं, राजकुमार, लवकुश, रवि कुमार और संदीप, उन्हीं की तरह वो जो अधिकारी जिसने ये बयान दर्ज किया सिर्फ कि संदीप ठाकुर ने लड़ाई झगड़ा किया, उसके साथ मारपीट हुई, मतलब उसने मारा पीटा और इसको एक तरह से रफा दफा करने की कोशिश की, उससे पहले वो उतना ही बलात्कारी है वो अधिकारी, इसने इस मामले को इस तरीके से मोड़ देने की कोशिश की कि ये केवल लड़ाई झगड़े का SC/ST एट्रोसिटी का मामला है। देखिए मैडम, ये पूरा मामला पकड़ के बिठाना और उसका बयान तक नहीं लेना, ये कहाँ तक, कहाँ न्यायोचित है? इसकी जड़ में मैडम और कुछ नहीं है, केवल जो हमारे देश की जो जाति व्यवस्था है जी, ये वो पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है कि एक दोषी होने के बावजूद और उन पर दोष सिद्ध होने के बावजूद भी इतने ये शातिर हैं कि देखिए उनके समाज वाले लोग जो है SP को जाके ज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि ये FIR झूठी है। तो ये सारा जो है जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश की व्यवस्था जो है वो जाति पर आधारित है। अगर दलित की बेटी के साथ ना होकर के अगर किसी दूसरी बेटी के साथ होता या समर्थ समाज की बेटी के साथ होता तो मैं समझता हूँ कि पूरा तूफान उठ गया होता, जिस तरह दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश के लोग एक हो गए थे। लेकिन इस घटना में वो लोग साथ में नहीं आए, वो लोग साथ में नहीं आए। और ये भी हाईलाइट जब मामला हुआ तब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चला और लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें जो है इसकी जो है सुनवाई ज्यादा उन लोगों ने करनी शुरू कर दी, पैरवी लगानी शुरू कर दी अपनी जो है, और वहां पहुंचना शुरू कर दिया, तब जाके ये मामला हाईलाइट हो पाया है। जी, बाकी ये पूरा जाति व्यवस्था से प्रेरित है। चौहान सर, लक्ष्मी चंद हमारे साथ हैं, सर आप इस घटना को कैसे देखते हैं? जी भाई सर, ये जो है हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपन शरण जाति के लोग हैं, उनकी हमारे बहन बेटियों के साथ जो इस तरह का जो व्यवहार करते हैं, वो उसको उस इंसानियत के दौरे नहीं रखते, वो उस मानवता के तौर से नहीं देखते, वो
उन्हें तो उस जाति रंग देकर उसके राजनीतिक रंग देकर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और क्या वजह क्या थी, क्यों किया उन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा? ऐसा क्या था? कोई कंपटीशन हो, कोई किसी भी तरह की छेड़, कोई पहले ऐसी घटना उसके साथ हुई है क्या? कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से? उसमें अगर वो उनसे अगर कोई वहाँ की, तो हम लोग तो इतने दूर बैठे हैं बहुत, तो इसे वहाँ की गांव की उनके बीच में क्या उनके वहाँ संबंध रहे हैं, वहाँ किस तरह का उनके साथ व्यवहार रहा है, तो वहाँ की वो जो रहने वाले हैं उनकी वजह से वही सच्ची जानकारी दे पाएंगे। लेकिन हम लोग तो ये जो उन्होंने अमानवीय तरह से उनको जो बेटी के साथ जो छेड़छाड़ की, मारपीट की, जीभ तोड़ी है, जीभ काटी है, उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, ये बिल्कुल उनकी जातिवाद के उस पर उनको दबाने की कोशिश की है ताकि वो आगे किसी तरह की वो बात ना करके, हम लोग उसको सही रूप में उन लोगों को दोषी ना बताते, वो अपने आप को दोष से मुक्त बना रहे, हमारी बेटी का दोष ज्यादा कर रहे हैं कि भैया ये हुई है। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था जातिवाद की कारण ही हम लोग इस तरह से उपेक्षित हैं, हम लोग ज्ञान का अभाव है, हमें सामाजिक जानकारी नहीं, कानूनी जानकारी नहीं, हम किस तरह से FIR करते, वो भी FIR भी किए तो उन लोगों उन्होंने ही लिखी होगी, ठाकुरों ने, और उसको ज्यादा रूप नहीं दे, उसको मारपीट का और आपसी नोकझोंक लड़ाई झगड़े का बस ये रूप देकर उन्होंने उसको किया। अगर सही तरीके से उसकी FIR भी होती तो उसके सारे जितनी धाराएं उनको लगनी चाहिए थी वो लगनी लगती, लेकिन इसमें इस तरह का उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की है उसको, क्योंकि अगर वो दलित की बेटी है, एक पीड़ित और उपेक्षित समाज की बेटी है, दबे कुचले समाज की बेटी है, इसलिए उसको दबाने की कोशिश की। अगर यही किसी पंडित की लड़की होती, किसी ठाकुर की बेटी होती और किसी ब्राह्मण की होती, हमारे साथ क्यों होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ ही क्यों होता है, दलित पिछड़ी बहन बेटियों के साथ क्यों होता है, किसी ठाकुर की लड़की के साथ क्यों नहीं होता, किसी ब्राह्मण की लड़की के साथ क्यों नहीं होता, किसी जाट की लड़की के साथ होती है, ये हमारी सामाजिक ये ज्ञानता है, समझिए हमारी फूट है, हम लोग बिखरे हुए समाज में, इस वजह से हम पर ये ज्यादा अत्याचार होते हैं और उनको दबाया जाता है, उनको सही तरीके से सामने लाया भी नहीं। जी सुंदर भी आपके जी मैडम, हाँ आप युवा है एक, और हमारा पहली जो पीढ़ियां थी वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के से पहले का समय जो रहा उस वक्त भी एक तरह से ये मान के चली आती रही थी कि ये एक दीवार है, एक डोल है और इस डोल को नहीं लांघना है जी। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, आपकी पीढ़ी जो है, वो आपकी जैसी पीढ़ी जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की आपके सामने है, महात्मा फूले का आंदोलन है, एजुकेशन का हथियार आपके पास है, शिक्षित बनो का सबसे बड़ा जो नारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, और फिर उसके बाद संविधान में जिस तरीके से अधिकारों को दिया, और वो न केवल दलित को बल्कि भारत की हर एक बेटी को, चाहे किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय की हो, ऐसे में आप जैसे युवा जो देख रहे हैं जिस तरीके से वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ ये गैंगरेप हुआ, और जो मेरी जानकारी है कि वो सिर्फ 3-4 ही घर है वहां पे, एक ही परिवार एक तरह से रहता था, उस एक परिवार में इस लड़की के साथ इस तरीके से हमारी इस बहन के साथ ये हुआ और उसको मजबूर कर दिया कि वो बयान तक ना दे पाए, जीभ काट दी गई, एक इतनी जघन्य घटना कि आप जिसका हम जिसके दर्द का दुख का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। और वो अंदाजा मैं इसलिए कह रही हूँ बार बार, मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगी कि जब दूसरे समुदाय की बेटियों के साथ ऐसा होता है तो पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, तमाम तरीका का मीडिया दिन रात चीखता चिल्लाता है। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती, चाहे किसी भी समाज की लड़की के साथ अगर हो तो वह गलत है, उसका विरोध होना ही चाहिए। ये एक हिंसक प्रवृत्ति है जो लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, औरतों के ऊपर ही निकलती है। पुरुष हमेशा इसका इस्तेमाल, इस कमजोर कड़ी का इस्तेमाल हमेशा करता रहा। ऐसे में अगर लड़की दलित समाज की हो और उसमें भी एक ऐसे वर्ग से हो जहाँ 3-4 ही घर है गाँव में, ऐसे में जो हमारा युवा वर्ग है वो क्या सोचता है, कब तक चलेगा ये सिलसिला? मैडम युवाओं को आगे आना चाहिए ऐसी घटनाओं से, जैसा कि अब ये पूरे देश व्यापी हो गया है कि बहन मनीषा के बारे में हो रहा है, और मैडम जैसा कि आप बार बार बता रहे हैं वहाँ पे कुछ ही घर हैं, जैसा कि हमारी भी नॉलेज में आया है कि वहाँ लगभग 450 की जनसंख्या है, जिसमें से 150 ब्राह्मणों के हैं, 150 लगभग ठाकुरों के हैं, और बाकी 150 पर हमारे दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का है।
जिसमें मैडम बताया जा रहा है कि वहाँ पे ठाकुरों का ज्यादा ही बोलबाला है और दलितों को इसी तरह सताया जा रहा है। तो हमारी युवा पीढ़ी को चाहिए कि हम सभी उस कमजोर तबके को, जो हमारे भाई हैं, हमारी दलित समाज से, वाल्मीकि समाज से हैं वहाँ पर, और ऐसे ही जो छोटे छोटे गाँव है जहाँ पे हमारे लोगों को ज्यादा दबाया जाता है, उनको भी हम शिक्षित बनाए, उनको भी हम जानकारी दें, कानूनन जानकारी दें कि आपको कैसे क्या करना है, और उन लोगों को अपने बराबर में रखना चाहिए ताकि वो भी आगे कहीं दबाव। सुंदर जी, आपकी आवाज दब रही है। डॉक्टर चौहान सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप अब क्या मांग करते हैं, क्या हम इसको इस तरीके से देखें? देखिए ऐसा है कि अब जी हाँ बोल रहा हूँ, जी जी आवाज आ पा रही है मैडम? मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सुंदर जी की आवाज नहीं आ रही थी, इंटरनेट की वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही है। चौहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक तो हमारी ये विडंबना है कि हमें फुर्सत तब मिलती है जब हमारे समाज का, हमारे समुदाय का युवा या युवा लड़की ऐसे घटना की शिकार हो जाती है और मर जाती है, तब हमारी आंख खुलती है, तब हमें फुर्सत मिलती है कि हमें कैंडल मार्च निकालना है, हमें मांग करनी है। जबकि आप ये देखिए, 14 सितंबर से लेकर आज 28 तारीख तक, 29 सुबह डेथ हुई जैसे, तो हमारे तमाम दलित राजनीति के लोग, इवन वाल्मीकि भी, जो वर्तमान सरकार में प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और एक बड़ा आंकड़ा जो घर घर जगह पे इंटरनेशनल वाल्मीकि ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो कर क्या रहे थे अभी तक? क्या आप याद आया है कि मनीषा की डेथ हो चुकी, अब आप न्याय किसके लिए चाहते हैं? जा चुके वो तो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते, 14 तारीख से 16 तारीख तक का पूरा टाइम था हमारे पास, 14-15 दिन दिए उन्होंने, और उसको चाहते तो बचाया जा सकता था, एम्स में लाया जा सकता था, एम्स में अगर नहीं इलाज हो संभव था तो उसको विदेश में भेजा जा सकता था, जैसे निर्भया को भेजा गया था। क्या वजह है कि वाल्मीकि समाज मुंह में दही जमाए बैठा हुआ है? ठीक है, दूसरे तमाम लोग खामोश है, समझा जा सकता है क्योंकि उनकी जाति वर्ग की लड़की नहीं है, लेकिन वाल्मीकि समाज तो आज अपने आप को बहुत दावेदार मान रहा है वर्तमान सरकार में। अगर ऐसे लड़कियों के साथ ये होता रहेगा तो ये सामाजिक न्याय कहाँ जाएगा, कैसे मिलेगा? क्या वाल्मीकि समाज केवल राजनीति में अपनी चमकाना चाह रहा है? उसको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है? और तब जब वो जिंदा थी, आज हम कैंडल मार्च निकाल लें, धरने प्रदर्शन कर लें, पैसा मिल जाएगा घर वालों को, क्या उसकी जिंदगी वापस आ जाएगी लड़की की? वो पेन, वो दर्द, वो दुख, तकलीफ जो 14 तारीख से 28 तारीख तक लड़ते हुए उस बहन ने झेली है, उसकी क्या कीमत है? कैसे चल थमेगा ये सिलसिला? आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तमाम आप इस इशू को उठाते हैं और आपने उठाया भी है, आपके माध्यम से ही तमाम मुझे जानकारियां मिली है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जहाँ तक इलाज की जो बात थी, जैसे ही मुझे पता चला कि प्रतिनिधियों ने भी आकर के बोला है कि भाई इसको एम्स में हम रेफर करा देंगे, हमने वहाँ बेड बुक करा दिया है, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उसके बावजूद भी रेफर करने में कई दिन लग गए, जबकि ये कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं थी। रेफर करना तो एक बहुत छोटी सी बात है, वहाँ दो आदमी चार आदमी है। मुझे ध्यान आया आपका सांसद, वो जो क्या नाम है उनका, माननीय राजवीर दिलेर वाल्मीकि, जी हाँ जी हाँ, उन्होंने ये आकर के चाय पीता हुआ जिसका कप आया था स्पेशल, जी हाँ, कप चाय लेकर साथ में लेके चलता था, जी हाँ, उनका ये स्टेटमेंट था, वहां जाकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने वहां पर जो है एम्स में अच्छा इलाज कराने के लिए बेड भी बुक कर दिया है, मां बात कर ली है, मुख्यमंत्री के पास लेकर के जाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, उसके बावजूद भी रेफर होने में इतना टाइम लग गया, ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट भी डाली कि भाई जब रेफर होना ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा सिफारिशें लगाने की जरूरत नहीं है, परिजन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बेहतर इलाज हो तो रेफर उसको हो जाना चाहिए, तो उसको कल रेफर किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसको ऐसी कंडीशन में इन्होंने रेफर किया है कि वो ट्रीटमेंट वहाँ चला ही नहीं पाए, और देखते हैं कि 3-4 बजे रात में उसकी जो है डेथ हो जाती है बच्ची की। और ऐसे जो हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, इनसे तो हमें उम्मीद करनी बिल्कुल छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहब के संघर्ष के बाद में और जो करीब 50-60 साल का जो हम लोगों का जो संघर्ष रहा है हमसे, और जो सीनियर्स हैं हमारे, हमारे जो पूर्वज हैं, उन लोगों का संघर्ष रहा है, ऐसे लोगों ने इस संघर्ष को कुचल दिया,
हम लोग जो है पूरा समाज हमारा जितना नौजवान साथी है या जितने हमारे जो शिक्षित व्यक्ति हैं उन्होंने समझा, अपने समाज के मान सम्मान को समझा, उन्होंने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये तो हमारे मान सम्मान को एकदम से डुबोने का काम करते हैं। इन्होंने 60 साल की 70 साल की जो मेहनत थी उस पर सब पर पानी फेर दिया, गिलास लेके चल रहे। अरे ठीक है, आप संगठन में हैं, आप संगठन के एक दायरे में रहिए, लेकिन जहाँ समाज की बात आती है तो इनको ये सोचना चाहिए कि जन्म तो पहले समाज में लिया है ना। वो मोहर जो समाज की, ऐसे लोगों ने ही राजनीति को गंदा किया है, गंदा किया, इनको लात मार देनी चाहिए मैडम ऐसी राजनीति से। उनको आदत पड़ती है इसी तरीके से लोगों को, दूसरों को भी देखने का नजरिया जी हाँ यही रहता है। सारे के सारे लोग अपना 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 कप उठा के हाथ में लेकर चले जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो समाज का हमारे ऊपर जो समाज की एक मोहर जो लगी हुई है, हम इस समाज से आते हैं तो ये आजीवन हमारे साथ रहेगी, ये हट नहीं सकती। और जो राजनीतिक लवादा है इसको तो कभी भी उतार के फेंका जा सकता है, किसी दूसरी पार्टी का उड़ा जा सकता है, अपना खुद नया संगठन बनाया जा सकता है। तो इतनी डरने की और इसमें उसकी बात नहीं होनी चाहिए। जब देख रहे हैं कि जब समाज हमारा हमारे समाज के ऊपर इतनी बड़ी आफत आई हुई है तो लात मार देना चाहिए ऐसी पार्टियों को, जो लात मार देना चाहिए ऐसे संगठन को, लेकिन इनकी तो जीभ ही नहीं खुलती है उनके सामने में जो है, ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन भाई साहब कटघरे में तो बहुत सारे के सारे समुदाय भी आता है जो लगातार मंदिर की तो बात करता है खुल के, उसको मंदिर चाहिए, लेकिन उसको ये अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाते हैं। अगर जरा सा सामाजिक न्याय की बात करो तो उनको भीमटे नजर आते हैं। वो ये मानते हैं कि ये सरकार को सपोर्ट करते हैं या फलां सरकार को सपोर्ट नहीं करता, मुद्दों गायब हो जाते हैं, मुद्दे कहीं भी नहीं रहते। और ये अकेली घटना नहीं है, मनीषा से पहले की तमाम तरह की घटनाएं वाल्मीकि समाज के साथ हुई है। अभी हरियाणा में वाल्मीकि सरपंच को, महिला को जिस तरीके से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है उसके ऊपर सारे के सारे खामोश है। कल को उसकी डेथ हो जाएगी तब हम चर्चा कर लेंगे उसके ऊपर, आराम से बैठ के करेंगे जी। क्योंकि हम जागते ही तब है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, किसके लिए, किसके लिए करते हैं फिर हम, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। माफ कीजिएगा, जितने संगठन है वो आज सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं तो मुझे तो ये बेईमानी नजर आ रहा है कि आज आपको याद आ रहा है कि सामाजिक न्याय के सवाल पर आप एकजुट होकर खड़ा होने की जरूरत है, जबकि वो जा चुकी है अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते। और ये भी तय है कि न्याय उसको नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि उसको न्याय मिलेगा। अगर शुरुआत ही यहाँ से हुई कि गांव का जो बयान लेने के लिए जब FIR दर्ज की गई, उस FIR दर्ज करते हुए ही ये कहा गया कि ये तो SC ST एट्रोसिटी का मामला है और करके FIR दर्ज कर ली और एक का नाम लिखा गया, वो तो अजीब। मतलब मैं हिम्मत की दाद दूंगी उस महिला की, उस हमारी बहन की, उस बेटी की, कि उसने जाते जाते कम से कम जो उनका डर था, जिसे डर के मारे उनकी जीभ काट दी गई थी ताकि वो अगर बच जाए तो किसी के सामने बयान ना दे पाए, तब भी उसने बयान दे दिया, इसलिए उन चारों का नाम नजर आया है। अन्यथा तो आप चारों को नजर ही नहीं आना था, नाम करते रहते आप कि आई चुकी है सवर्ण परिषद जैसी जैसे संगठन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा का सारा ब्यूरोक्रेट, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, आपका महिला आयोग खामोश, आपका पूरा का पूरा तंत्र खामोश, आपकी संसद खामोश जी हाँ, जबकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। मैंने अभी चार पांच दिन पहले ही पोस्ट डाली थी और यही समाज से अपील की थी कि हमें जो है सारी राजनीतिक दल या जितने संगठन है उनको छोड़ देना चाहिए, केवल हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक समाज के लोग हैं, समाज में पैदा हुए हैं और इसके लिए हमें एक होना चाहिए। और संसद घेरनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन घेरना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को घेरना चाहिए, उसकी आंखें खोलनी चाहिए कि वो छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के तो खुद संज्ञान लेते हैं, वहां पर चले जाते हैं और सारी उसकी कार्रवाई को पूरी करते हैं जो है, और दूसरियों को जो है कटघरे तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको फांसी तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन आज तक न तो महिला आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान नहीं लिया, इधर आपके सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, यहाँ तक है कि ये जो सरकार जो सोई हुई है या यूपी में, इसका कोई आला सत्ता का कोई मंत्री कोई भी प्रतिनिधि या कोई पार्टी का प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया। ये सांसद तो तब पहुंचे तब इनकी जो चारों तरफ थू थू होने लग गई, तब जाके शर्म के मारे ये वहां पर पहुंच करके फॉर्मेलिटी पूरी की। तो है महिला आयोग में मंजू दिलेर, जी हाँ मंजू दिलेर भी है, तो इन्होंने तो तब जाके फॉर्मेलिटी पूरी की। मंजू दिलेर को अभी तक याद नहीं आया कि उनकी उसकी डेथ हो चुकी है, जो अगर आप लोग चाहते थोड़ा सा प्रयास करके उसको बचाया जा सकता था। ये कहीं ना कहीं जोहान साहब, ये कहीं ना कहीं उन ठाकुरों को बचाने के तरीके भी हैं।
मैडम ऐसी रिपोर्टें हैं हमारे पास मैडम, ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो अपने बयान के आधार पर उनको जेल में भिजवाती। मैडम एक मिनट, हमारे पास ऐसे कई एग्जांपल हैं कि जो हमारे क्षेत्र के जो ये प्रतिनिधि हैं, इन्होंने आज तक ऐसी 376 जैसी घटनाओं पर कभी किसी को जेल पहुंचवाने का काम नहीं किया। एक इनके क्षेत्र में ही जो लोकसभा क्षेत्र हाथरस लगता है, इलास विधानसभा क्षेत्र की एक घटना है करसुआ गांव की, वहां पर भी इन्होंने वही काम किया। ये इनके पास अगर कोई शिकायत भी पहुंचती है तो ये कभी अपने लोगों को जो है प्रोटेक्शन देने का या उनके साथ कानूनी कार्रवाई करवाने का कभी काम नहीं करते। ये दोषियों को ही बराबर बचाने का काम करते हैं। इनके एक नहीं ऐसे कई एग्जाम्पल हैं और इनसे तो हमें उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए ऐसे लोगों से जो है। इसलिए मैं बार बार अपने लोगों से कह रहा हूँ कि इन प्रतिनिधियों से कोई उम्मीद मत रखिए, अपने कंधों पर खुद वजन उठाइए और एक हो जाइए। और ये सबक दे गई है हमें मनीषा वाली घटना, हमें मैडम ये सबक दे गई है कि हमारे समाज को अब एक हो जाना चाहिए, सबको एक हो जाना चाहिए। ये तो एक अगर आगे के लिए कुछ जो है अपनी बहन बेटियों को बचाना है और इज्जत से रखना है तो चौहान साहब, ये तो एक सुनहरा सपना है कि ये समाज कभी एक होगा। जो समाज कीचड़ में रह के सूर के साथ खेलना ही जानता है और जिस तरीके से वो कीचड़ में 24 घंटे धंसा रहता है, अगर कोई साफ सुथरा छवि का बाहर निकल के उनको कोशिश भी करेगा ना कि ये निकल जाए बाहर, वो उनको बजाय उनकी कोशिश को उनके साथ सहारा लेके ऊपर जाने के बजाय उस कीचड़ में ही उसको धकेलेंगे ताकि वो उसी तरीके से खेले जैसे सूर का बच्चा कीचड़ में खेल के खुश होता है ना, ये समाज उसी तरीके से खेल के खुश होता है। ये समाज दूसरों के घुटनों के बल पर ही चलना जानता है। ये समाज दूसरों के आरोप प्रत्यारोप तो करना जानता है कि हमारा हमारी चीज ये कर दी, दूसरों ने ये कर दी, वहां ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, अपने घर में क्या चल रहा है वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। माफी चाहूंगी तमाम दर्शकों से भी कि अगर आप मेरी इस भाषा से कहीं तकलीफ हो, लेकिन आज ये तकलीफ का सवाल है ही नहीं, ये सवाल है सामाजिक न्याय का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया था। और क्या वजह है कि आप एक 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 महिला जो भारतीय समाज की नागरिक भी है, जो सारे अधिकार जिसके पास हैं, वो लड़ती है अपनी जिंदगी की जंग और हार जाती है और सारा का सारा कैंडल मार्च वाले उनके कैंडल बंद है, मीडिया खामोश, सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें छुटपुट जो बाहर नजर आ रही है वो भी उन लोगों के द्वारा, या तो इस समाज के हैं वाल्मीकि समाज के, या वो लोग जो थोड़े बहुत प्रगतिशील सोच रखते हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम लोग चुपचाप आज तमाशा देख रहे हैं। और अगर आज हमदर्दी दिखाई भी दे रही है चौहान साहब, वो इसलिए हमदर्दी है क्योंकि डेथ हो चुकी है। अगर उसकी डेथ ना होती और जिंदा रहती और ट्रीटमेंट चलता तो ये लोग जो अपने आप को जो बड़े प्रगतिशील मान रहे हैं वो इसके ऊपर दही जमा के बैठे रहते मुंह में, क्योंकि वो भी ये जानते थे कि अगर ये बची तो ये चारों को चारों जा सकते हैं अंदर। लेकिन जो समाज पहले से ही एकजुट होके तुरंत मरते ही तुरंत एसपी को पहुंच गया है जो देने के लिए मेमोरेंडम कि ये झूठी आरोप है और इस पे इस तरीके की पहले FIR दर्ज जो की गई थी वो एक के ऊपर ही थी, ये बचाने के तरीके हैं। आप ये देखें, मुझे ये बताइए, हमारे साथ जो हमारे भाई हैं सुंदर जी हैं और लक्ष्मी जी भी हैं, अभी तक कहीं किसी मीडिया में आपको उन आरोपियों की तस्वीरें नजर आई हैं जो निर्भया के मामले में लगातार फ्लैश होते दिखाई दे रही थी आपको? निर्भया का उत्तर दिया गया था मीडिया ने, हम लोग तो लगातार सीधा मनीषा बोल रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि नाम करके संबोधित कर रहे हैं, जबकि आपने जब आपकी बेटी के साथ ऐसी घटना हुई थी आपने तो नाम तक बदल दिया था उसका। हालांकि स्वच्छकार समाज की आवाज हमारा यूट्यूब चैनल तमाम महिलाओं की बराबर इज्जत करता है, बराबर हिस्सेदारी मांगता है, और हमारी तकलीफ भी यही है कि हमें यहाँ भी बराबरी चाहिए। एक निर्भया के साथ अगर इस तरीके का वाहियात और हिंसक घटना होती है और दूसरे तरीके से अगर मनीषा के साथ घटना होती है तो मनीषा का नाम तो चीख चीख के सोशल मीडिया के तमाम प्रगतिशील लोग नाम लेके बुला रहे हैं, और निर्भया का आपने नाम तक नहीं लिया था आज तक, उसका असली नाम भी कोई जानता नहीं है कि वो एक लड़की पंडित समाज से थी, अप्रकाशित थी। ये क्या भेदभाव, यही भेदभाव पे हमारी आज नजर, यही तकलीफ भी है हमारी कि तमाम प्रगतिशील संगठन जो लगातार जंतर मंतर पे जो गुरुद्वारों में बैठ के पाठ कर रहे थे, मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, मंदिरों में हवन कर रहे थे कि उसकी जिंदगी बच जाए, क्या वही दर्द वही दुख वही तकलीफ मनीषा के बीच में भी हुई थी? कोई बताइए मुझे कोई ऐसी घटना आपको नजर आई हो।
किसी ने लिखा हो कहीं पे भी गई मैडम इस तरह की, तो फिर भी आपको ये लगता है कि हमें सामाजिक न्याय मिलेगा, मनीषा को न्याय मिले लिपि मिल पाएगा, तो डूब के डूब जाना चाहिए वाल्मीकि समाज को। क्यों नहीं वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी सारे के सारे सड़कों पर उतर कर बंद कर दें सफाई का काम करना? अगर वाल्मीकि समाज 3 दिन के लिए भी इसके ऊपर धरने पर बैठ जाए और बंद कर दे काम करना, सारी सड़कें, सारे आपके जितने भी काम करने की जगह है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, जितने के जितने ऑफिस हैं, सब में बंद कर दीजिए और आइए सड़कों पे, तब मिलेगा आपको न्याय। मेरा ऐसा मानना है, आप बताइए लक्ष्मी जी, भाई साहब, कैसे मिलेगा मनीषा को न्याय? क्या वाल्मीकि समाज मनीषा वाल्मीकि के साथ आंखों में आंख मिला के जवाब दे पाएगा? ये नहीं दे पाएंगे हम लोग तो, ये पूरा समाज दिन तक लड़ती रही जो लड़की बैठी हुई पड़ी हुई और तरसती रही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्या वो आपको सपनों में आके तंग नहीं करेगी? और किस वाल्मीकि की बात कर रहे थे फिर आप तो ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज तो बड़ी बहादुर कौम है, बड़ा लड़ने भिड़ने वाले कौम है, बड़ा अधिकारियों के प्रति जागरूक होने वाली कौम है, कहाँ गई, कहाँ गया आपका वाल्मीकि समाज? ये सिर्फ शब्दों में मैडम जी, ये बहुत शब्दों में ही रह गया है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। और ये अब ये इतना गिरा हुआ समाज, हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि हम अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारा जो मीडिया है, हमारे जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो व्यवस्था को इस बदलने में नहीं काम साथ नहीं दे पाते, उसको न्याय, ये सिर्फ एक ढकोसला था, एक राजनीतिक रोटी सेकने का काम था। अगर एक उसकी आवाज अगर सोशल मीडिया पे ही चली है, ना तो मीडिया वाले बोले, ना मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ इस तरह का कोई संज्ञान लिया गया, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, ना जितने भी हमारी संसदीय संस्थान है, हमारी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने भी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्यों? एक एक बहुत मजबूर गिरे हुए समाज के लिए, हम लोग दबे कुचले समाज की बेटी थी, इसलिए इस पर कोई चर्चा तक नहीं हो पाई। और ना हमारा समाज तो इतना वो लालच में डूबा हुआ है कि उसे सिर्फ अपना काम करना है और किसी को कुछ नहीं। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ। जब तक ये भावना रहेगी, तब तक हम इस अपनी समाज को कभी सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। धन्य है चौहान सर जी। हाँ, आपका संगठन कैसे मनीषा के लिए न्याय की मांग करने के लिए, क्या आपके पास आगे की क्या रणनीति? देखिए, रणनीति तो एक ही है कि जब तक सड़कों पर नहीं उतर पाएंगे और जब तक सड़कों पर पूरी तरह से हंगामा नहीं होगा, प्रशासन की आंख नहीं खुल पाएंगी, तब तक तो मुझे लगता है कि न्याय कुछ भी नहीं मिल पाएगा और ना हम कुछ जो है उनको किसी तरह की जो सुविधाएं हैं वो दिला पाएंगे, या और कुछ जो उनके लिए होना चाहिए पीड़ितों के लिए, वो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए पूरी तरह से सड़कों पर उतरना पड़ेगा हम लोगों को, और समाज इस बात को गांठ बांध ले बिल्कुल। जो है जैसे अभी इन्होंने 1 दिन की हड़ताल की है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे मैं तो समझ रहा हूँ जाएं, और बिल्कुल सफाई कर्मचारी तो हमारे इस तरह से हो जाएं कि जो है चाहे वो यूपी के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या किसी भी अदर स्टेट के हैं, उन सबको एक हो जाना चाहिए इस घटना को लेकर के कि भाई अब ये जो घटना हुई है, जब तक हमें जो है जस्टिस की पूरी तरह से हमें वो एक सही सही उसकी वो नहीं मिल जाए, तब तक जो है इस आंदोलन को पूरी तरह से जो है चलाते रहना चाहिए, और जब तक वो फांसी पर नहीं चले जाएं जब तक, क्योंकि यही चीज इसी से हमें सबक भी लेना चाहिए कि निर्भया कांड जो हुआ था, उन्होंने जब तक उनको फांसी पर नहीं चढ़वा दिया था, तब तक अनवरत उनका आंदोलन जारी रहा था और करते ही रहे थे आंदोलन वो लोग। क्या वाल्मीकि समाज सक्षम है कि वो लगातार निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने के लिए, जैसे पूरा भारत, न केवल भारत बल्कि विश्व एकजुट हुआ था, क्या वाल्मीकि समाज में इतनी ताकत है कि इवन दलित समाज को, बहुजन समाज को भी अपने साथ लेकर चल सके? अगर मैडम ये देश की व्यवस्था को हमारा एक एक खास करके युवा शिक्षित साथी अगर समझ ले, हमारे समाज वाले समझ लें कि इस देश की व्यवस्था क्या है और इस देश का जो संविधान है वो क्या है, केवल ये 2 चीजों को समझ लें कि हमारे देश की व्यवस्था किस तरह की बनी हुई है, कौन इसके जो है जिम्मेदार है इस व्यवस्था के, और हमें संविधान में क्या क्या मिला हुआ है, इस संविधान के अनुसार हमें कैसे चलना है, इन 2 चीजों को अगर समझ लें तो मैं समझता हूँ न्याय बेटी को दिलाने में देर नहीं होगी। जी, तो चर्चा को समाप्ति की ओर मनीषा के लिए न्याय की मांग करते हुए मैं तमाम दर्शकों को, जो जिनको थोड़ी कम जानकारी होगी, उनके लिए बताना चाहूंगी कि मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस जिले का
गांव है, एक छोटा सा गांव जहाँ की वो जहाँ से वो आती थी, भूमिगढ़ी गांव है जिसका चंदपा था। भूमिगढ़ी है जहाँ सिर्फ थोड़े से घर है इस समुदाय के जिसमें आती थी। उसका अपराध केवल इतना ही था कि वो एक ऐसे वर्ग से आती थी जो जो समाज का जो बहुल वर्ग है उस गांव का, वो एक खास एक समुदाय का ही वर्ग है। इसके अलावा जो जितने घर हैं वो तीन चार ही इनके घर हैं। और ऐसे में इस तरीके से हवानियत जो सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करती है, वो इत्तफाकन घटी गई घटना नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक 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 बेटी या एक बहन काम करने जाती है और उसको चार लोग एकदम मिल जाएं उसको आमने सामने से। तो बकायदा ये इन ठाकरों की सोची समझी थी जिसको अंजाम दिया गया, और वो अंजाम भी इस तरीके से दिया गया था कि तुम अपने ऐसे जो विक्टिम जो थे उनका नाम तक ना ले पाए। ये हमारे लिए भारतीय समाज के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। इतनी निंदा की जाए उसकी उतनी कम होगी। जब तक निर्भया के दोषियों की तरह इनको फांसी की सजा ना हो, सख्त से सख्त सजा। मैं तो हालांकि फांसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आजीवन कारावास मिले ताकि वो भुगतें, एकदम सिर्फ एकदम करके खत्म ना हो जाए बल्कि भुगतें उस सारी उम्र को, उसके परिवार के लोग उसको देखें। हालांकि मुझे बिल्कुल न्याय की आस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं माफी मांगते हुए कहती हूँ। बिल्कुल मुझे इस स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो जान को बचाने का प्रयास तक ना कर पाया हो उनसे हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर पी के चौहान जैसे लोगों का प्रयास, लक्ष्मी चंद और हमारे युवा जो जो जमात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हैं, वो हर एक इस ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता से बात करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि हम न्याय दिलाने में सक्षम हो पाए। लेकिन ये न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक पूरा का पूरा दलित बहुजन समाज सड़कों पर नहीं आता। ये आज मनीषा के साथ हुआ, कोई जरूरी नहीं कल को किसी और के साथ ना हो। केवल मनीषा का मामला नहीं है, किसी के साथ भी आने वाले दिनों में जो भी जुबान खोलेगा उसके लिए ये घटना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उससे पहले भी तमाम खरलांजी की घटना, उन्नाव की घटना, हरियाणा की लगातार घटनाएं, हम दिल्ली में लगातार घटनाएं हम सब देख चुके हैं। और हम तमाम बेटियों का आदर करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आती हो, किसी भी वर्ग से आती हो, लेकिन हमारी जो जो विडंबना है, हमारा जो दुख है, वो तकलीफ है, जो वो सिर्फ इतनी ही है कि जब एक वाल्मीकि समुदाय की लड़की के साथ ऐसी घटना होती है। याद है आपको पानीपत की घटना, क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। रेप करके उसको ये जो सराड़ा होता है और पालते हैं जिसमें रखते हैं उसके ऊपर डाल के चले गए, कुछ भी नहीं हुआ उस घटना में। इतनी घटना है जिसकी मैं लिस्ट बनाऊं तो सिर्फ उन घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स या तमाम जितनी तरह की विडंबना देखिए, एक तरफ हमारी संसद जो न्याय का घर कही जा सकती है, जो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, उसका सेशन चल रहा है, और दूसरी तरफ एक बेटी जो अपने जिंदगी की लड़ाई हाथरस से लेके और दिल्ली के सफदरजंग तक पहुँचते जहाँ अंतिम सांसें चल रही थी एक तरह से, वहां अगर पहुंचा भी दी जाती है किसी ना किसी तरीके से, दिल्ली खामोश है। क्यों है? हम सब जानते हैं कि यहाँ बलात्कार और बलात्कारी दोनों को जाति के आधार पर तोला जाता है। मैं बिल्कुल इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि अगर यही लड़की किसी दूसरे समुदाय से आती तो आज तमाम मीडिया, जो कंगना के अलावा, जो दीपिका पादुकोण के अलावा, जो वो बिहार का जो लड़का है उसके अलावा, कोई इशू इनको नजर नहीं आता, वो दिन रात चीख रहा होता। लेकिन मनीषा जिसकी गर्दन तोड़ दी गई, हड्डियां तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, भयानक से भयानक, जिसमें मौत भी एक बार देख के शर्मा जाए, ऐसी घटना पर पूरा का पूरा मीडिया खामोश है। ये खामोशी इसलिए भी है क्योंकि ये जो समाज है जिस समुदाय से मनीषा आती थी, जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है, राजनीति में अपनी दखल अंदाजी करने पर इतना ज्यादा अंदर अपने जमीर को बेच चुका है
कि उसको सामाजिक न्याय के सवाल सामाजिक न्याय नजर नहीं आते। माफ कीजिएगा, मैं चर्चा को एकदम यही समाप्त कर रही हूँ। बस मैं तमाम दर्शकों से जितने हमारी इस बातचीत को आप सुन रहे थे, हालांकि हमारी प्रोफेशनल बातचीत नहीं थी, हम बड़ा अपना दुख एक जगह बैठ के हम साझा करना चाहते थे सिर्फ इस कोरोना काल में हमारी अपनी सीमा भी है, लेकिन फिर भी मैं चैनल के माध्यम से तमाम वाल्मीकि युवाओं को जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वो वाल्मीकि युवा तो शिवजी पे कावड़ लेने के लिए जा सकते हैं हरिद्वार से और अपने गांवों तक पहुंचते हुए, क्या उनकी बहन बेटियों की इज्जत जब इस तरीके से सरेआम कुचली जाती है, वो वाल्मीकि युवा सड़कों पर क्यों नहीं उतर सकता? वो जब जगराते कर सकता है दिन रात बैठ के भोंपो बजा बजा के, जब उनकी बहन बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती है, तो वो युवा क्यों नहीं उसमें शामिल हो सकता? वो वाल्मीकि युवा जो मंदिर के नाम पर कटने मरने के लिए तैयार है, जो उनकी आस्था का सवाल है, मैं आस्था पर सवाल नहीं करना चाहती और ना ही मैं खड़ा करना चाह रही इसके ऊपर, कि बिल्कुल हमारी डिबेट सिर्फ इसको सिर्फ लेके चल रही है कि जो हम जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और तमाम चीजों के ऊपर जब युवा लड़ भड़ के जा सकता है, दंगों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मेरे तमाम समुदाय के युवाओं से, हमारी बहनों से, हमारे तमाम राजनीतिक संगठनों से, तमाम सामाजिक आंदोलनों से भरपूर कोशिश है, मेरा निवेदन है कि एक और मनीषा के लिए आगे स्पेस मत दीजिए। अगर मनीषा को न्याय नहीं मिला तो हम अपनी नजरें मनीषा के कातिलों की तरफ हमेशा नीची करके रखेंगे, जो वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसा समुदाय जो हमेशा वर्चस्वशाली रहा है, जिसने बहु गरीब के बहु सबकी भाभी, अब इससे मैं तो एक और कदम आगे बढ़ के कहूंगी कि गरीब की बेटी सबकी बहू, जिसको वो दिन रात इस्तेमाल करना चाहते हैं, माफी चाहूंगी, ये मुझे कहावत कहनी पड़ रही है आज, गरीब की बेटी सबकी बहू, जो ये जो मानसिकता जो बन चुकी है, जो सदियों से बनी आई थी, एक बार फिर हमारे सामने जिंदा शामिल है। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं एक बार फिर सब तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगी मनीषा के लिए न्याय की मांग करिए, न्याय के लिए इस आह्वान में हम सब शामिल हों, ताकि कम से कम हम मनीषा के कातिलों को चला गया और उनकी सजा को मिलते हुए देख सके। उन्हीं शब्दों के साथ मेरी पीड़ित परिवार से हमदर्दी है, हमदर्दी के सिवाय हम कर भी नहीं सकते। जय भीम, जय भारत, सभी तमाम दर्शकों का और मेरे साथ जो बने हुए थे डॉक्टर पी के चौहान सिंह, सुंदरमन, लक्ष्मी भाई और तमाम और भी गांव के लोग, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जय भीम, जय भीम, जय भीम।